देखिए इधर देखना, मॉलिकुलर प्रोसेस टॉपिक चल रहा था, और मॉलिकुलर प्रोसेस में अपन ने देखा था कि मॉलिकुलर प्रोसेस क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं ना। उसमें वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अपन बात कर रहे थे। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलग अलग टाइप है, कौन कौन से? आयन डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और लंदन फोर्सेस। इनमें से अपन ने पहले दो केस देख लेते हैं, कौन कौन से? आयन डाइपोल अट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है नंबर थ्री। देखो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है ना। देखो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन इससे क्या मतलब है, देखो समझना। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देखो जैसे एक तो कोई भी आयन ले लिया, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है, ठीक है ना। एक सपोज करो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इस तरह से, प्लस और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, जो भी है इस तरह का कैसे, ठीक है ना। यहाँ पर कोई डाइपोल, यहाँ पर कोई आयन है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जो भी है। तो ये आयन जैसे ही इस मॉलिक्यूल या एटम के पास में जाएगा तो क्या करेगा, ये आयन इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके न्यूक्लियस को तो रिपल करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जैसे ही ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, कॉन्टैक्ट में आते यहाँ पर क्या होगा, देखो ये प्लस और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए और इसका जो न्यूक्लियस है इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से एक तरफ तो आ गया नेगेटिव चार्ज, जिसको इस तरह से लिख देता, एक तरफ आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये केस हो गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसके और इसके बीच अब अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा? देखो ये पॉजिटिव आयन है ना, तो बीच में तो अपन न्यूक्लियस बना रहे हैं ना, ठीक है ना। और ये नेगेटिव चार्ज, इसके बीच एक अट्रैक्शन वर्क करेगा यहाँ पर। देखो जो अट्रैक्शन यहाँ पर वर्क करेगा, इसे अट्रैक्शन को अपन क्या कहेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये डाइपोल नहीं है, ये डाइपोल बना है किसके प्रभाव में, इसके इफेक्ट से। कहने का मतलब इसके द्वारा ये डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इसको अपन डाइपोल बोलेंगे। लेकिन कौन सा डाइपोल? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एक्चुअली इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और इनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन है वो एक आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो अगर मान लो कोई भी गैस है या नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है, जैसे नाइट्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली, कोई सी भी, उसमें आपने आयन्स मिला दिए, तो जो गैस आप लोगे, जैसे मान के चलो एक बीकर है, इस कंटेनर में कोई गैस आपने भरी हुई है, जैसे नाइट्रोजन गैस ही यहाँ पर भर दी आपने, ठीक है ना। अब इसमें क्या, आपने ऊपर से कुछ आयन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, इसके अंदर डाल दिए आयन्स, डालते क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस है ना पोलेराइज हो जाएगी इस तरह से। समझ में आ रहा है ना। और मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर कौन सा अट्रैक्शन काम करने लगेगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। पोलराइजेशन क्यों होगा वो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना। देखो नेक्स्ट केस है नंबर फोर। नंबर फोर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, यहां पर देखो क्या होगा, डाइपोल है ये प्लस माइनस, अपोजिट भी ले सकते हैं, माइनस प्लस भी कर सकते हैं, कोई से नहीं, और एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है या एटम है ये। समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को तो रिपल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस को, तो यहां पर कुल मिलाकर ऐसा हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस, ये न्यूक्लियस इधर आ गया प्लस और ये इलेक्ट्रॉन आपका दूर चला गया, ये माइनस। समझ में आ रहा है? यहां पर अब इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा,
तो देखो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के इफेक्ट से ये भी डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो डाइपोल बना है ये किसी दूसरे के इफेक्ट से बना है, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आ रहा है, जबकि ये कौन सा है, ये डाइपोल है, डाइपोल, ये परमानेंट डाइपोल है, पहले से डाइपोल था, जबकि ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये इसके इफेक्ट से बनाया है डाइपोल, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल हुआ। तो एक डाइपोल है, दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है, दोनों के बीच अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो उसको कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, पहले इसको नोट करो। देखो हो गया, कर ले बेटा, कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना? देखो देखो नेक्स्ट है नंबर फाइव, नंबर फाइव देखो, लंदन फोर्सेस या फिर इसको अपन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस, ये फिर इसको अपन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, अट्रैक्शन। तो देख लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन भी इसको अपन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, जैसे अपन हीलियम गैस की बात कर लेते हैं, देखो देखो सबसे पहली बात तो ये ऐसे मॉलिक्यूल में वर्क करता है, ऐसे मॉलिक्यूल में वर्क करता है जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, ठीक है ना, साथ के साथ जनरल जिनमें कोई पोलर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, और पोलर बॉन्ड हो भी सही तो इसकी पोलैरिटी काफी कम हो। समझ में आ रहा है ना, डाइपोल मोमेंट तो जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अपन बात करें कि जो बॉन्ड है वो कौन सा होना चाहिए, इनमें नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो होने पर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, ऐसा आवश्यक थोड़ी है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जीरो होने पर भी पोलर बॉन्ड हो सकता है, जैसे सीओ टू में, ठीक है ना। लेकिन सीओ टू में लंदन फोर्स नहीं है, सीओ टू में तो कौन सा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है ना वो काफी ज्यादा पोलर है, ये यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया ना, तो कहने का मतलब है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जिनमें बॉन्ड पोलेरिटी काफी कम हो, या फिर जनरली नॉन पोलर बॉन्ड हो, ठीक है ना। अपन ये तो नहीं कह सकते जीरो, क्योंकि कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें पोलर बॉन्ड, बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत कम है, वहां पर भी इसको अपन कंसीडर करेंगे। तो देखो ध्यान देना, एग्जांपल जैसे अपन यहां पर ले, देखो HeHe, देखो ये HeHe यहां पर जो अट्रैक्शन है ये देखो नॉन, ये कंप्लीट हो गया ना, कोई सी भी नट गैस ले सकते हैं, नियोन नियोन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन, देखो जैसे Br2 के बीच लगने वाला अट्रैक्शन, देखो Br2 बॉन्ड में Br बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी क्या, नहीं आएगी ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये Br, देखो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन Br, ये
तो यहाँ पर एक मिनट देखो, यहाँ पर तो बॉन्ड में पोलैरिटी है ही नहीं, जीरो जीरो हो गया ना, ठीक है ना, तो डाइपोल अट्रैक्शन तो लग ही नहीं सकता। डाइपोल डाइपोल क्यों? क्योंकि उसके लिए तो चार्ज डाइपोल तो बने, ठीक है ना। और भी केस ले सकते हैं, जैसे एल्केन्स, 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 जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लिया CH4 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी कंप्लीट जीरो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, लेकिन नाम मात्र का डिफरेंस है। कितना है? हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन के 2.5, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि कॉमन होता है वो पूरी ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, तो उसका कोई इश्यू नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। एल्केन्स, एल्केन्स, एल्केन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्सेस, ठीक है ना। एल्काइन्स, एल्काइन्स जैसे यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन। यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी कंप्लीट जीरो नहीं है, डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी कंप्लीट जीरो नहीं है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर यहां तक? ठीक है ना। तो एटसेट्रा, ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फोर्स होगा? कौन सा फोर्स होगा? लंदन फोर्सेस। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जब यहाँ पर बिल्कुल भी चार्ज है ही नहीं, कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो ये फोर्स वर्क कैसे करेगा, लगता कैसे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसके भी कैसे लगता है। ये लिख रखा है ना, देखो समझना, ध्यान देना। जैसे अपन बात करें हीलियम की, देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है या नहीं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करिए, न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो जो अपना एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, सराउंडिंग है अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट, उसके अंदर कई प्रकार की एनर्जी है या नहीं है, है ना, जो थर्मल एनर्जी है, रेडिएशन से एटसेट्रा, है ना। तो देखो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी तरीके से किसी टाइम जब एनवायरनमेंट के एनर्जी को गेन कर लेता है, जैसे मान लो किसी फोटोन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कर सकता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, किसी थर्मल एनर्जी के एब्जॉर्ब कर लिया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया एटसेट्रा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये किसी प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एनर्जी सडनली इंक्रीज होगी, होगी नहीं होगी। और जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, इनकी एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ते क्या होगा, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे, मतलब इस तरह से, जैसे न्यूक्लियस तो यहां पर रह गया और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर आ गया, इस तरह से होंगे ना, पाथ से डेविएट होंगे, और पांच से जिस समय पर ये डेविएट होंगे, एक तरफ तो न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके अंदर डाइपोल बना नहीं बना, बन गया ना, ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, देखो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, देखो ये डाइपोल, देखो ये जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी, अगर अपन किसी भी स्पीसीज की बात करें, ठीक है ना, उसकी गति हमेशा सीधी रहेगी, रेखीय, जब तक अपन उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करें। जैसे कने का मतलब यह है कि मान के चलो कि यहां पर अपन ने एक रस्सी बांध दी, छोटी सी डोर, उससे एक पत्थर लटका दिया, कोई छोटा सा टुकड़ा, यही मान लिया कि इसको एक रस्सी से इन दोनों को बांध दिया। अब मैं उसको इस रस्सी के तरह इसको तेजी से घुमाता हूं, समझ में आ रहा है, तो घूम रहा है चारों तरफ, घूमने का रीजन क्या है, क्योंकि इसको अपने बांध रखा है, अगर उस रस्सी को अपने बीच में से अचानक ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ते ही खापर जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, घूमता घूमता जैसे ही तोड़ोगे आप, तोड़ते ही वो दूर चला जाएगा। कहने का मतलब यही यहां पर है कि ये तेजी से इसमें गति कर रहा है, और किसी तरह की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करते क्या होगा, तुरंत ही अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, पाथ से डेविएट होते ऐसी कंडीशन आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। तो ये एक डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये डाइपोल कुछ ही समय के लिए बना है, जैसे इस एनर्जी का इफेक्ट खत्म होगा, खत्म होते ही वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे डाइपोल जो कुछ ही समय के लिए बने हैं, उनको बोलोगे आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल,
उनको क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि अल्प समय के लिए बने हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये डाइपोल कौन सा है, परमानेंट डाइपोल है क्या, और ये इंड्यूस्ड डाइपोल भी नहीं है, किसी दूसरे के इफेक्ट से थोड़ी बना है। समझ में आ रहा है, दूसरे के इफेक्ट मतलब कोई डाइपोल या आयन उसके द्वारा नहीं बना है। ये डाइपोल किसी एनर्जी की वजह से बना है, जो कुछ ही समय के लिए बना है और वापस से खत्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। समझ में आ रहा है। अब देखो ऐसा तो है ही नहीं कि जो आपने हीलियम गैस लिया, जो भी गैस ली उसमें केवल एक ही एटम प्रेजेंट है। भाई आप सैंपल लोगे तो उसमें तो बहुत सारे एटम है ना, तो इसके चारों तरफ दूसरे एटम भी तो होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो ये तो हो गया भाई इंस्टेंटेनियस डाइपोल, माइनस प्लस, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल यही लिख देता हूं ये, ठीक है ना। इसके चारों तरफ और बहुत सारे एटम होंगे इसे, तो मान लो एक एटम ये इसके चारों तरफ, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे तो एक ले लिया। अब देखो जिस समय ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाया, डाइपोल बनते क्या होगा, ये इसके न्यूक्लियस को तो रिपल करने लग जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, अपोजिट पोल भी बोल ले सकते हैं, माइनस प्लस लिया तो फिर माइनस लिया तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, जो भी होगा नहीं होगा ऐसा। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये प्लस और माइनस, इसके इफेक्ट से ये डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस दूर चला जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब यहां पर अट्रैक्शन वर्क करेगा नहीं करेगा, देखो ये जो अट्रैक्शन है इसी को अपन बोलेंगे लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। यहां पर ये जो डाइपोल है ये तो कौन सा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये तो हो गया भाई इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जबकि ये जो दूसरा डाइपोल है वो इस डाइपोल के इफेक्ट से बना है, तो उसको क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल है या नहीं है। तो देखो ये हो गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। देखो क्या ये अट्रैक्शन परमानेंट काम करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही ये वापिस इसमें कन्वर्ट होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया भाई, कन्वर्ट होते ये अट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा, और ये कन्वर्ट जैसे ये इसमें कन्वर्ट होगा ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अट्रैक्शन खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन ये क्या ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस टाइप है कि कुछ मॉलिक्यूल में ऐसा हो रहा है, कुछ में खत्म हो रहा है, कुछ में हो रहा है, कुछ में खत्म हो रहा है, कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि दो मॉलिक्यूल ले ले उनमें परमानेंटली वर्क करेगा, बनता बिगड़ता रहता है साथ के साथ, कि कुछ मॉलिक्यूल में ऐसा हो गया बाकी मॉलिक्यूल नॉर्मल है, फिर ये खत्म हुआ जब तक किसी दूसरे मॉलिक्यूल में हो गया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो कुल मिलाकर मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा बहुत तो ये लगेगा ही सही ना, ठीक है। और अभी तक जितने भी अपन ने मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े हैं उनमें परमानेंट इफेक्ट है, करने का मतलब जैसे मान लो डाइपोल डाइपोल है तो परमानेंट लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, टेम्पररी है, ठीक है, ये बनता बिगड़ता रहता है, करने का मतलब ये है, इसीलिए ये फोर्स काफी वीक होता है। तो वंडरवाल फोर्स में भी जो सबसे वीक फोर्स होता है वो कौन सा होता है, लंदन फोर्स होता है। पहचानने का तरीका क्या है इसको, कि बॉन्ड पोलैरिटी मॉलिक्यूल में लगभग लगभग जीरो ही होने चाहिए, जीरो या फिर लगभग जीरो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो फिर ये फोर्स वर्क करेगा। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, करो देखो नोटिस को, कुछ पूछ रहे थे बेटा, अच्छा वर्क कैसे करते हैं ना, तो क्लियर हो गया होगा ना मेरे हिसाब से, है ना, करो देखो नोटिस को। हाँ उसी की वजह से होता है,
पहने के बेटा एक एक्स्ट्रा हो गया। कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो किस टाइप के होते हैं और आप इनको कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। ये देखो आप जो एक्सरसाइज ये निकालो, देखो एक्सरसाइज 9 ये क्वेश्चन करके देख ले सारे। देख किसी क्वेश्चन में डाउट है कि एक्सरसाइज 9 में 1 to 48 एक्सरसाइज 9 में 1 to 48 ना 48 क्वेश्चन दे रखे हैं ना इसमें, किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं ना, तो इसमें कुछ क्वेश्चन इनके भी हैं कि कौन सा फोर्स वर्क करेगा और बाकी इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन है, रेजोनेंस के और वन डर वाल्स फोर्सेस के क्वेश्चन है, करके देख लेना सारे। नहीं ना डाउट किसी क्वेश्चन में, ठीक। नहीं हेडिंग ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर वो फॉर्मल चार्ज। हाँ फॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बात करेंगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सेकेंडरी टाइप की इंट्रैक्शन है, कहने का मतलब प्राइमरी इंट्रैक्शन नहीं है। प्राइमरी इंट्रैक्शन मतलब केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, समझ में आ रहा है ना। देखो अपन ने जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पढ़ेंगे, ये सेकेंडरी टाइप की इंट्रैक्शन है, यहाँ पर किसी तरह की कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये वीक फोर्सेस के अंदर काउंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है? एक वीक फोर्स ही होता है ना। केमिकल अट्रैक्शन जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो कौन सी है? जैसे आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, मेटलिक बॉन्ड है ना, ऐसे केस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना। तो ये नॉर्मल अट्रैक्शन है, मतलब सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत ये आते हैं। तो देखो इट इज ए सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ए सेकेंडरी टाइप ऑफ अट्रैक्शन, टाइप ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये सेकेंडरी टाइप का अट्रैक्शन है, देखो काफी वीक होता है, समझ में आ रहा है ना। इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, बॉन्ड एनर्जी लगभग 10 to 15 है ना, किसी में आपको 42 भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। 10 to 50 किलो जूल पर मोल है, किलो जोल पर मोल लगभग इतनी है ना, ये रेंज है 10 to 50 किलो जोल पर मोल, ये इसके लिए क्या है बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, आप समझना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब वर्क करेगी या कब होगी ये देखना है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ही है, जिसे मान के चलो AH, ठीक है, यहां पर कोई बी है, बी पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ए और बी, ए एंड बी, ये दोनों हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। तो देखो अगर ए और बी हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, बेसिकली जनरली यहां पर कौन से होंगे, जनरली देखो जनरली यहां पर नाइट्रोजन इस तरह ले फोन है ना, फोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जनरली ये एटम यहां पर होंगे, समझ में आ रहा है नहीं आता।
तो देखो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऐसा अपन बिल्कुल भी नहीं कि बाकी एटम है तो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। जहां पर अपन को आवश्यकता लगेगी वहां पर उनकी भी बात करेंगे, जैसे कई कई पर क्लोरीन की भी बात करेंगे अपन, समझ में आ रहा है। लेकिन वो कुछ ही केस रहेंगे, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप तभी कंसिडर करना जब कौन से एटम हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। समझ में आ गया होगा ना यहां तक। अब देखो ध्यान देना, एक पर तो लोन पेयर है और ए और बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या होगा, अपन को पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव या फिर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो इसके बीच अट्रैक्शन वर्क करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। ये जो अट्रैक्शन होगा इसी को अपन बोलेंगे एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। अब ये अट्रैक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है तो इसके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देंगे। अगर ये अट्रैक्शन एक ही मॉलिक्यूल में, कहने का मतलब जैसे मान लो ये दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है जिनके बीच अट्रैक्शन लग रहा है तो इंट्रा बोल देंगे, है ना, तो अलग से बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ये है, इस तरह का केस होगा तो एच बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एच बॉन्डिंग कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपन को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ेगी तो प्लस माइनस बढ़ेगा तो ये अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, मतलब एच बॉन्डिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर एच बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एच बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलो एग्जांपल ये ले लिया, हम बात करें एच बॉन्डिंग की, देखो एक तो केस भाई ये है एच एफ ये एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। दूसरा केस अपन यहां पर ले ले, देखो ओ एच एच ओ एच एच है ना ये। नेक्स्ट केस ले ले यहां पर जैसे एन एच 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 ये ले लिया एन एच एच एच। आपको बताना है किन में से, देखो ये वाटर में बताइए, यहाँ पर अपन ने एच एफ के अंदर बताइए, और यहाँ पर अलग सॉलिड एच एफ में लीन इस तरह से नहीं होते, जिग जिग स्ट्रक्चर बनते भी बनाएंगे अपन, ठीक है ना। और ये अमोनिया में बनाएंगे। आपसे पूछा जाए कि एच बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पर ज्यादा होगी एच बॉन्डिंग वहां पर ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी नहीं होगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, समझ में आ रहा है। कुछ पूछ रहे हैं एच बॉन्डिंग का, है ना। हाँ किसमें बेटा, नहीं नहीं एच टू में तो नंबर ज्यादा बनते हैं। हेलो हाँ बोल, कर दो कोई दिक्कत, हाँ कर दो बंद, आओ कर, हो गया नहीं अब तक, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ध्यान देना, ये हो गया होगा मेरे हिसाब से, या भी अपन यू बात नहीं कर रहे कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे किसमें कम बनेंगे, मतलब कौन ज्यादा बना रहा है कौन कम बना रहा है, संख्या काउंट नहीं कर रहे, है ना। संख्या तो अपन को पता है कि या तो एक ही हुआ है जबकि ये चार बनाता है, दो तो लोन पेयर की वजह से दो हाइड्रोजन की वजह से, उसकी बात नहीं कर रहे। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, जो एच बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगी, वीक कहाँ पर होगी, एच बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर वीक, यहाँ पर और भी वीक। रीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की और भी कम है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट केस, जैसे सेकेंड डेल्टा ई एन,
भाई डेल्टा ई एन सेम कॉन्सेप्ट है, अलग से कुछ भी नहीं है। अगर डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ता है, डिफरेंस मतलब यहाँ पर किस में देखोगे आप, हाइड्रोजन और जिसकी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ने से बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी तो बात तो वही होगी ना, प्लस माइनस बढ़ेगा तो एच बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो देखो डेल्टा ई एन बढ़ने से बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ने से एच बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, एच बॉन्डिंग इंक्रीज। समझ में आ रहा है? नंबर थ्री, ठीक है ना, नंबर थ्री यहां पर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ ओएच ग्रुप्स देखो, नंबर ऑफ ओएच ग्रुप बढ़ने के साथ साथ एच बॉन्डिंग बढ़ेगी। देखो ओएच ग्रुप से मतलब नहीं है, एक्चुअली ऐसे कोई से भी ग्रुप जो एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एच बॉन्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ साथ एच बॉन्डिंग बढ़ती है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो समझना आप, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर देखे अपन, जैसे एक तो केस लिया अपन ने, सपोज करो एथेनॉल CH2 CH3 CH2 OH, ये ले लिया एथेनॉल, सब जानते हो इसको, ठीक है ना, एथेनॉल। एक केस ले लिया सपोज करो ग्लाइकोल का CH2OH, इसको भी सब जानते हैं, देख ग्लाइकोल पता है ना। देखो एक केस जैसे ग्लिसरॉल का ले ले CH2OH CHOH और CH2OH, ये क्या हो गया ग्लिसरॉल। देखो लैब के अंदर देखा होगा ना, ये सब देख रखे होंगे लैब के अंदर, एथेनॉल भी देख रखा होगा, ग्लाइकोल भी देख रखा होगा, ग्लिसरॉल भी देख रखा होगा। देखो आप दिन को देखोगे, अगर गौर नहीं किया हो तो देखना दोबारा, ये आपको बिल्कुल पतला नजर आएगा, काफी ये से लेकर बिल्कुल ही पतला, वोलेटाइल भी काफी ज्यादा है। थोड़ी देर अगर आप एक बीकर में या वाच ग्लास में एथेनॉल को रख दोगे ना, तो थोड़ी देर में वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा वहां से। ग्लाइकोल की बात करोगे तो थोड़ा गाढ़ा नजर आएगा आपको, और जब ग्लिसरॉल की बात देखोगे तो आपको ये और भी गाढ़ा नजर आएगा, मतलब काफी ज्यादा विस्कस होगा, जबकि इसकी विस्कोसिटी कम होगी। अब उसका रीजन क्या है? देखो इसमें ओएच ग्रुप एक है, इसके अंदर ओएच ग्रुप दो है, इसके अंदर कितने, तीन है। तो यहां पर ओएच ग्रुप बढ़ने के साथ साथ ही मोलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग बढ़ेगी ना, वो जुड़ जाएंगे आपस में, एच बॉन्डिंग बढ़ेगी, मतलब मोलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, मतलब मोलिकुलर एसोसिएशन बढ़ जाएगा। मोलिकुलर एसोसिएशन बढ़ने से मोलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर विस्कोसिटी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसके साथ साथ ही देखो वेपराइजेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है एथेनॉल इजीली वेपराइज होता है, ग्लिसरॉल थोड़ी होता है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एच बॉन्डिंग से। वेपराइजेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड, इस लिक्विड में से कुछ मॉलिक्यूल यहां से सरफेस छोड़कर बाहर चले जाते हैं, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भाई अगर सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए, बंध गए, तो वो इस लिक्विड को छोड़कर बाहर थोड़ी जाएगा, मतलब वेपराइजेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वेपराइजेशन डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो कहने का मतलब ये होगा, देखो ये इधर से इधर जाने पर देखो नंबर ऑफ ओएच ग्रुप इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ ओएच ग्रुप इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एच बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना? एच बॉन्डिंग इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज होगा। तो देखो वेपराइजेशन डिक्रीज होगा नहीं होगा, वेपराइजेशन डिक्रीज, ये लिख लिखा है, ये लिख रखा है बेटा सबने, है ना, पहले इसको नोट कर लो।
हो गया ना, देखो ये कर लिया ना, ये देखो ये तो गया ना, देखो तो देखो अपन इसकी बात कर रहे थे इसके कि नंबर ऑफ OH बढ़ने से H बॉन्डिंग बढ़ेगी, H बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मॉलिकुलर एसोसिएशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, समझ में आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो गया ना, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो गया तो मॉलिक्यूल वेपराइज थोड़ी होगा, वेपराइजेशन घटेगा, ठीक है, वेपराइजेशन घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्योंकि अब ये जो लिक्विड है ना सभी ये, तब इनको इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जानते हो ना क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट देखो जैसे ये लिक्विड है यहाँ पर ये, अब अपन को पता है जैसे अपन यहाँ की बात करें हमेशा यहाँ की अर्थ एटमोस्फेयर की, तो जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 एटमोस्फेयर होता है, भी वो बात अलग है जैसे आप पहाड़ों पर चले जाओ कहीं पर, तो वहां पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अपन वहां की बात नहीं कर रहे, अपन नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमोस्फेयर, और अपन को पता है कि लिक्विड वेपराइज होगा, लिक्विड वेपराइज होगा तो इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है लिक्विड की सरफेस पर किसके द्वारा, वेपर के द्वारा, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी लिक्विड के वेपराइजेशन से जो वेपर बनती है उस वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। अगर इस लिक्विड को अपन गर्म करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वेपराइजेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वेपर इंक्रीज हो जाएगी ना, जब ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब 1 एटमोस्फेयर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब मान लो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो भाई उसका तो वेपर प्रेशर काफी कम हो गया, तो उस वेपर प्रेशर काफी कम हो गया तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए अब तो ज्यादा टेम्परेचर क्या हो सकता है या नहीं, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो गया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर विस्कोसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, सरफेस टेंशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तब किसी का भी ऑर्डर पूछ ले क्या फर्क पड़ता है, अपन को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से ये सब होगा, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, हाँ मेल्टिंग पॉइंट का भी उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा मैं इसके बाद, अभी उसको रहने देते हैं, है ना, अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, देखो एक टॉपिक पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 ग्रुप, है ना, उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, इनका कॉन्सेप्ट सबका क्लियर करेंगे ना, ठीक है ना। तो ये हो गया होगा यहां तक, ठीक है ना। अब देखो समझना, देखो नेक्स्ट फैक्टर है नंबर फोर अपन बात करेंगे, देखो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्डिंग वीक होगी ना, एच बॉन्डिंग डिक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से एच बॉन्डिंग डिक्रीज होती है, यही पर लिख देता हूं एच बॉन्डिंग डिक्रीज। देखो नंबर फाइव कंसंट्रेशन, देखो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी ना, मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो उनमें एच बॉन्डिंग भी तो बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से एच बॉन्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी, एच बॉन्डिंग इंक्रीज। देखो नेक्स्ट केस देख सकते हैं नंबर सिक्स,
ठीक है ना। देखो नंबर सिक्स डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी, एक तरह से पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम होगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो उनके बीच एच बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, तो एच बॉन्डिंग डिक्रीज, एच बॉन्डिंग डिक्रीज। तो एच बॉन्डिंग कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है क्या? नहीं ना, ये कर लिया सबने नोट, कर लिया ना। देखो यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना, तो जो एच बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा ई एन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, उसके अलावा नंबर ऑफ ओएच ग्रुप है, ठीक है, कंसेंट्रेशन है, डाइल्यूशन है, और किसकी बात करें अपन ने, टेम्परेचर के ना, इन सभी फैक्टर्स पर एच बॉन्डिंग डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। देखो एच बॉन्डिंग बेसिकली टू टाइप की होती है, देखो एच बॉन्डिंग इधर लिख देता हूं यहां पर, देखो एच बॉन्डिंग टू टाइप्स की, देखो एक तो होती है इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये लिख रखा है क्या, लिख रखा है, ठीक है, एच बॉन्डिंग टू टाइप की है, देख एच बॉन्डिंग देखो एक तो थे इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, दूसरी इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो देखो इंट्रा मोलिकुलर, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, नेक्स्ट केस है इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। देखो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसमें क्या होगा समझना, देख इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये विद इन मोलिक्यूल होती है, विद इन मोलिक्यूल, और इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये बिटवीन मोलिक्यूल्स होती है, देखो बिटवीन मोलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखो यहां पर जैसे एक एग्जांपल देखते अपन समझना, जैसे केस ये ले लिया अपन ने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जैसे इसका केस ले लिया, समझ में आ रहा है, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये हो गया, देखो ओ एच एन डबल बॉन्ड ओ ओ यहां पर ये, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये एच बॉन्डिंग होगी, ये होगी इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में होती है, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग किस में होती है, एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में होती है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसकी बात करें इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जैसे एग्जाम्पल यहां पर ले, देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये, जैसे ये केस ले लिया हमने, देखो एन ऑटो यहां पर ओ एच एन डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहां पर ये हो गया, ठीक है ना, यहां पर ये ले लिया जैसे हमने ये, ठीक है ना। देखो ओ एच, ओ एच ये एच बॉन्डिंग, देखो बिटवीन मॉलिक्यूल है या नहीं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो हो गए ना बिटवीन मॉलिक्यूल, ये होगी इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर अभी कंफ्यूजन अपने हो सकता है इस तरह से हो कि जैसे यहां पर अपने बना रखे ना
देखो अपन यहाँ पर क्या ऐसा नहीं बना सकते, इस तरह से देखो आप ओ एच एन डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच एन ओ, तो क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता भैया? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ही तो है क्या? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं की जा सकती? नहीं, ऐसा भी तो कर सकता था मैं, फिर ऐसा ही क्यों किया? ऐसा क्यों नहीं किया? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा केस ये देखो, जैसे आप ले लिया ओ एच, यहां पर एन डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ये एच बॉन्डिंग, पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? देखो पैरा में समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो काफी दूर चले गए, इतनी डिस्टेंस पर एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये तो होगी ही नहीं। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो हो जानी चाहिए, फिर भी यहां पर भी अपन ऐसा नहीं बनाए, ऐसा ही बनाया, ठीक है ना? तो यहां पर भी ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? अभी कुछ ही देर बाद उसका रीजन आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, अगर इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है और इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है तो इसका क्या इफेक्ट होगा? देखो समझना, ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग की। अगर इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है तो क्या होगा? देखो इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग किस प्रकार से वर्क करेगी, ध्यान देना। जैसे मान के चलो क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, सबने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, तो क्या होगा? जब सारे स्टूडेंट एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा तो कोई बीच में से कोई स्टूडेंट बाहर जा सकता है क्या क्लास से? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जस्ट लाइक मोलिकुलर एसोसिएशन बढ़ गया, यहां पर भी यही है। इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन मोलिक्यूल्स होती है, बिटवीन मोलिक्यूल्स होगी तो क्या होगा? इस एच बॉन्डिंग को जैसे सारे मोलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, भाई जैसे ये दोनों जुड़ गए तो ये किसी नेक्स्ट मोलिक्यूल से करेगा, ये भी किसी नेक्स्ट मोलिक्यूल से करेगा, और ये सभी मोलिक्यूल आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। जब सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं तो क्या कोई मॉलिक्यूल बीच में से वेपराइज होकर बाहर जा सकता है आसानी से? नहीं जाएगा। तो वेपराइजेशन डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज होगा ना। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं पॉइंट, यहां पर आप इसके नीचे लिखना, ठीक है ना? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ता है। देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एसोसिएशन इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज होगा तो वेपराइजेशन डिक्रीज होगा, वेपराइजेशन डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना? विस्कोसिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? विस्कोसिटी इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, ये सब होगा। एक मिनट, विस्कोसिटी इंक्रीज है ना, सरफेस टेंशन में इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज है, ये सब यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वेपराइजेशन डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज, ये सब यहाँ पर होगा, ठीक है ना? अब अपन बात करें किसकी, जैसे इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग की बात करें। देखो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, एक ही मोलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में हुई है, मतलब विद इन मोलिक्यूल हो रही है ना, एक ही मोलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में हुई है। कहने का मतलब ये, जैसे मैंने मेरे दोनों हाथ यू पकड़ लिए, दोनों हाथ आपस में पकड़ लिए, अब एक तो कैसे मैं इधर किसी का हाथ पकड़ लू, इधर किसी का हाथ पकड़ लू, तो क्या होगा? एक तो बॉन्डेड हो गया दोनों तरफ से, अब यहां से बाहर नहीं जा सकता। एक केस है मैंने अपने दोनों हाथ आपस में पकड़ लिए, इस तरह जितने भी स्टूडेंट है सबने क्या किया, अपने अपने हाथ आपस में पकड़ लिए, तो सब फ्री है ना, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है।
तो कहने का मतलब है जब आपस में ही मैं अपने हाथों को बांध लूंगा, पकड़ लूंगा, तो मेरी इंट्रैक्शन बाकी के साथ खत्म हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो इसका मतलब अब वेपराइजेशन, मैं आसानी से बाहर जा सकता हूं, मतलब एक तरह से जस्ट लाइक वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दूसरे से कोई इंट्रैक्शन होगी ही नहीं। तो कोई भी मॉलिक्यूल इजीली एनर्जी को गेन करके लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल सकता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब ये होगा जब इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं पॉइंट को, देखो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन आप पूरा लिख लेना, मैं ये लिख दे, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डिक्रीज होगा तो वेपराइजेशन, वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज, ये सब यहाँ पर होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब अपने पास एक क्वेश्चन है अभी, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हमने इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्यों नहीं करवाई, इंट्रा ही क्यों करवाई? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, ये कर लिया सबने? तो देखो इसके लिए आप हेडिंग डालना, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग डालना थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एच बॉन्डिंग, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कर लिया बेटा सबने? हो गया ना? क्या ये इधर वाला कर रखा है? लिख लो पहले, लिख लो। हो गया, हो गया ना? कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना? है, हेडिंग डालना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एच बॉन्डिंग। कैसे नहीं बेटा, क्योंकि हिंड्रेंस भी तो आता है इनमें भी, ये मॉलिक्यूल बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो बीच में क्राउडिंग भी तो आ जाएगी ना, तो मॉलिक्यूल तो थोड़ी, मॉलिक्यूल बिल्कुल टच थोड़ी होते हैं, नहीं होते, दूर दूर होते हैं थोड़े, ठीक है ना, तो इनके बीच के डिस्टेंस बढ़ जाएगी,
है ना, बेसिकली आपको इस तरह से बनाना है। हाँ चांस कम हो जाते हैं काफी कम, है बेसिकली ये रहेगा ना। उसका रीजन क्या, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी वीक है या नहीं, तो थोड़ी सी भी अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो इसकी तो पॉसिबिलिटी ही कम हो जाएगी मॉलिक्यूल के बीच, समझ में आ रहा है ना। इसलिए देखिए इधर देखना, देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एच बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एच बॉन्डिंग, तो देखो ध्यान देना इसमें। देखो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, ये सब जानते हो इसको, जानते हो ना। तो देखो ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है एंथैल्पी, अन्य सब चेंज की फॉर्म है, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, ये एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी भी चेंज की फॉर्म है, मतलब एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस लिख रहा है ना, और ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है आपको, ठीक है ना। हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं केल्विन टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर अपन दो केस बना रहे हैं। देखो एक तो केस ले ले जिसे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। एक केस ले ले जिसे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, देख इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। तो देखो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग और एक है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो हुई है ना, बॉन्डिंग होने होना मतलब बॉन्डिंग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड बनना, एनर्जी रिलीज होती है ना, तो कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या हो सकता है, कल बताया तो था नहीं याद। देखो अगर आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, मतलब ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे आप, ए ए मिलकर बॉन्ड बना रहा है ये, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहे इंट्रामोलिकुलर हो चाहे इंटरमोलिकुलर हो, बॉन्डिंग तो हुई है ना, बॉन्डिंग होगी तो एच बॉन्डिंग का होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बना है तो एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी। तो कहने का मतलब चाहे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो चाहे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो, दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। तो एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक, और इंटरमोलिक इंट्रामोलिकुलर है तब भी सेम होगा, डेल्टा एच नेगेटिव और प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब अपन बात करें, देखो गिब्स एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, ठीक है ना। देखो डेल्टा एस एंट्रोपी रेंडमनेस को कहते हैं ना, अपन को कहते हैं, अपन को पता है कि जहां पर डिसऑर्डरनेस रेंडमनेस ज्यादा होगी वहां पर एंट्रोपी ज्यादा होती है, एंट्रोपी एनर्जी की तो एक फॉर्म है, जहां पर एनर्जी ज्यादा है वहां पर रेंडमनेस ज्यादा होगी, रेंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है। अब एक बात ध्यान देना, अगर मैं इंटर और इंट्रा दोनों को कंपेयर करूं तो एंट्रोपी की वैल्यू भाई यहां पर क्या होगी, इंटर में और इंट्रा में क्या होगी, ये अपन को देखना है। तो देखो इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग में क्या होगा, ये बिटवीन मोलिक्यूल्स होती है ना, तो सारे मोलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं एच बॉन्डिंग के थ्रू, जब सभी मोलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गए कनेक्ट हो गए तो क्या कोई बीच का मोलिक्यूल बाहर इधर आ सकता है या उधर जा सकता है,
नहीं जा सकते, क्योंकि सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं ना। क्लास के सभी स्टूडेंट ने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट बीच में से बाहर नहीं जा सकता। तो अलाइनमेंट पिक्स हुआ नहीं, हुआ रैंडमनेस डिक्रीज हुई नहीं, तो रैंडमनेस घट गई तो एंट्रोपी नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगी, डिक्रीज हो रही है ना, तो एंट्रोपी क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी, यहां पर डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज हो रही है समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करें किसकी, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की। देखिए इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के केस में क्या हुआ कि ये बिटवीन मोलिक्यूल विद इन मोलिक्यूल है। जैसे मैंने अपने दोनों हाथ एक दूसरे से पकड़ लिए इस तरह से, इसी तरह से क्लास में जो भी है सबने एक अपना खुद का ही हाथ पकड़ लिया, तो सब फ्री है ना, अब कोई भी कहीं पर भी घूम सकता है, आ जा सकता है। तो कनेक्ट वाला ट्रांसलेशनल मोशन बढ़ गया ना, मैं यहां से वहां जा सकता हूँ, वहां से यहां आ सकता हूँ, सब इधर उधर घूम रहे, तो रैंडमनेस आई नहीं आई इसमें। रैंडमनेस आ गई तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ गई एंट्रोपी, बढ़ गई तो मतलब पॉजिटिव होगी, तो यहां पर एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मेरे हिसाब से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंट्रा मोलिकुलर के केस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, जबकि इंटर मोलिकुलर के केस में नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो देखो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव है या नहीं, तो ये नेगेटिव है और ये डेल्टा एस पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। और ये तो सबको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के केस में चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो, कोई सा भी हो, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये क्लियर हो गया। अब अपन बात करें किसकी, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की। देखिए इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग में वही डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। अब देखो डेल्टा एच यहां पर भी नेगेटिव है भाई, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब देखो डेल्टा एच तो नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव है, यहां पर आगे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो ये पूरी टर्म अब पॉजिटिव हो चुकी है। अब डेल्टा एच नेगेटिव है, अब यहां पर अपन दो केस बना दे। देखो जैसे ए, अगर हम ले एट हाई टेम्परेचर, जैसे पहले लो ले लेते हैं, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, देखो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर कम है तो टी कम है तो टी डेल्टा एस भी कम होगा, कि कम से मल्टीप्लाई करोगे तो कम ही आएगा ना, तो लो टेम्परेचर पर टी डेल्टा एस एक्चुअली इसके कंपैरिजन में कम रहेगा, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर क्या हो गया, टी डेल्टा एस डेल्टा एच से कम रहेगा। अब एक बात ध्यान देना आप, देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पूरी टर्म तो पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाली टर्म तो ज्यादा है और पॉजिटिव वाली टर्म कम है, क्योंकि तो पॉजिटिव हो गया ना पूरा इस नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव वाली टर्म तो बड़ी है और पॉजिटिव वाली टर्म छोटी है, तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है पॉजिटिव वाली टर्म छोटी है, तो नेगेटिव में ज्यादा पॉजिटिव में कम है, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा भाई, जैसे माइनस तीन में से प्लस दो आप करोगे माइनस वन, तो इसका मतलब है डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा ना प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब एच बॉन्डिंग होगी, एच बॉन्डिंग होगी। अब अगर अपन यहां पर केस बी बना दे, जिसे एट हाई टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी को बढ़ा दे तो टी डेल्टा एस बढ़ जाएगा, अब टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होगी, तो देखो टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, ऐसा होगा नहीं होगा, टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा हो गई। अब देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव है, अब पॉजिटिव वाली बड़ी हो गई नेगेटिव वाली छोटी रह गई, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होते प्रोसेस कौन सा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस।
नियस, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब देखो, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग केवल लो टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर नहीं होती। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। अपन ने लिखा भी तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो एक्चुअली बेसिकली इंटर के लिए था वो फैक्टर, समझ में आ रहा है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ देखो इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये एच बॉन्डिंग डिक्रीज होगी नहीं होगी? समझ में आ रहा है? जबकि इस केस में देखा आप टेम्परेचर चाहे कम रखो चाहे ज्यादा रखो, अपन को पता है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। तो टेम्परेचर चाहे कुछ भी ले लो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, मतलब ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखो डेल्टा जी केवल नेगेटिव आया ऑलवेज, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं डेल्टा जी को कंपेयर करो तो देखो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, जबकि यहां पर देखो केवल लो टेम्परेचर पे नेगेटिव होगी, हाई टेम्परेचर पे तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। और लो टेम्परेचर पे भी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव में से पॉजिटिव वाली वैल्यू कम भी तो हो जाएगी, तो यहां पर ये ज्यादा नेगेटिव नहीं आएगी। करने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग के लिए डेल्टा जी की वैल्यू इंटर के कंपेरिजन में मोर नेगेटिव होगी, होगी नहीं होगी? तो जब इंट्रा के केस में डेल्टा जी की वैल्यू इंटर से ज्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज डोमिनेंट आवर इंटर मोलिकुलर प्रोसेस। करने का मतलब एक ही मोलिकुल में यदि इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग में पॉसिबल है और इंटर भी पॉसिबल है, तो आपको इंटर नहीं करवानी, कौन सी करवानी है? इंट्रा। क्यों करवानी है? क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी। अब मेरे हिसाब से वो केस क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में उसमें इंट्रा भी करवा सकते थे, पर इंटर भी करवा सकते थे, लेकिन अपन ने केवल इंट्रा करवाया, इंटर नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि अगर मैं इंटर करवाता तो डेल्टा जी की वैल्यू कम नेगेटिव आती, प्रोसेस कम स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन अगर इंट्रा करवा देते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव आएगी, उसकी पॉसिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये समझ में आ रहा है ना? पहले इसको नोट करो। देखो हो गया,
हो गया बेटा, कर ले, कोई डाउट है क्या आता? नहीं तो मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गया होगा ना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अपने इंट्रा मोलिकुलर ही क्यों किया, इंटर मोलिकुलर क्यों नहीं किया। देख कोई सा भी मोलिक्यूल हो, अगर इंट्रा और इंटर दोनों पॉसिबल है तो आपको इंट्रा ही करवानी है, इंटर कभी भी नहीं करवानी, ठीक है ना। अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब नहीं है, किसी प्रोसेस की भी बात की जा सकती है, कोई सा भी प्रोसेस, चाहे वो एच बॉन्डिंग का केस हो, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन का केस हो, अगर दोनों पॉसिबल हो, कौन सी, इंट्रा और इंटर, तो आप इंट्रा कराओगे, इंटर कभी भी नहीं कराओगे। इंटर उसी कंडीशन में होती है जब इंट्रा मोलिकुलर पॉसिबल नहीं है, अगर इंट्रा मोलिकुलर पॉसिबल है तो इंटर मोलिकुलर कोई सा भी प्रोसेस कभी भी नहीं होता, समझ में आ रहा है ना। केमिकल रिएक्शन जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो उनमें भी यही किया जाता है, अगर कहीं पर जैसे मान के चलो कि दो फंक्शनल ग्रुप है ए और बी, इधर देखो ए और बी, इनके बीच रिएक्शन से सपोज करो ए बी बना, समझ में आ रहा है ना। अब मान लो कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप ए और बी एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो आप ये यू नहीं करवा सकते, देखो ये लिख लिया ना, देखो एक ही मॉलिक्यूल में ए बी और बी भी है, तब आप यू नहीं कराओगे, देखो ए और बी ये आप इनकी रिएक्शन ऐसे नहीं करवा सकते, ए बी समझने के हिसाब से बता रहा हूं, केवल ए और बी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप है जिनके बीच रिएक्शन हो रही है, तो फिर डायरेक्ट आपस में ही रिएक्शन करेंगे यू, ए और बी, अब इनके बीच डायरेक्ट रिएक्शन होगी ए और बी के बीच, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी इंटर और इंट्रा दोनों पॉसिबल होती है तो इंट्रा मोलिकुलर प्रोसेस होता है, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कोई दूसरा प्रोसेस हो, चाहे फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इंटर कभी भी नहीं होगा। इंटर तभी होता है जब इंट्रा पॉसिबल नहीं, जैसे यहां पर अपन ने करवाया, यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर इंट्रा पॉसिबल नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है सबको, तो देखो लिखना आप इसमें, देखो फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है। तो देख फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव देन इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, देखो सो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज ऑलवेज डोमिनेंट, एच ऑलवेज ऑलवेज डोमिनेंट डोमिनेंट आवर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये समझ में आ रहा है यार। अब देखो ये एच बॉन्डिंग के हिसाब से अपने देख लिया, लेकिन एक जर्नल स्टेटमेंट है, ये सभी पर अप्लाई होता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज डोमिनेंट आवर इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, है ना, तो इसको भी लिखना आप। देख इसमें लिखना, देख इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज ऑलवेज डोमिनेंट आवर इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। तो कहने का मतलब कोई सा भी प्रोसेस हो, कुल मिलाकर इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इंटर पर हमेशा डोमिनेंट होता है, समझ में आ रहा है, नहीं आ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, इसको नोट करो, देखो पहले
हो गया ये। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? देखो एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है ना? देखो ध्यान देना, समझना है इसमें। सबसे पहले अपन बात करें, देखो H2O लिक्विड है, पता है सबको, जबकि H2S गैस है। क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इसमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो ये लिक्विड है देखो ड्यू टू H बॉन्डिंग, क्योंकि H बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। ये गैस है, क्यों है गैस? क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग नहीं है। देखो नो H बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है यहां तक? देखो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ठीक है ना? देखो सेकंड पॉइंट, ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड देखो इक्वल टू इंटू थ्योरेटिकल मोलर मास, देखो एसिटिक एसिड का जो ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल जो प्रैक्टिकली आता है, वो उसके थ्योरेटिकल मोलर मास के कंपैरिजन में डबल आता है। भाई थ्योरेटिकल को दो से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब ऑब्जर्व के बराबर होगा। देखो ऐसा क्यों है? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एच बॉन्डिंग की वजह से जो एसिटिक एसिड होता है वो डाइमर के फॉर्म में होता है। एसिटिक एसिड ही क्या, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी डाइमर ही होता है, ठीक है ना? वो डाइमर होता है किसकी वजह से? एच बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पर ये केस है, देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, देखो ये केस है, ये होगा, समझ में आ रहा है? ये होगी H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, देखो डाइमर। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप एसिटिक एसिड को प्योर फॉर्म में ले लो, या चाहे किसी सॉल्वेंट में ले लो, या फिर गैसेस स्टेट ले लो, प्रत्येक स्टेट में डाइमर बनाता है, ठीक है ना? तो देखो यहां पर लिख देता हूं डाइमर इन ऑल कंडीशंस, ऑल कंडीशन से मतलब समझ ही गए होंगे, यहां पर लिख देता हूं इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट चाहे आप पोलर लो चाहे नॉन पोलर हो डाइमर बना लेता है, समझ में आ रहा है ना? तो इन सॉल्वेंट, इन गैसेस स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट से मतलब प्योर हो गया ये, ठीक है ना? क्योंकि सॉल्वेंट का तो अलग से लिख ही दिया अपन ने, मतलब हर कंडीशन में डाइमर बनाता है। अब देखो ध्यान देना, जब ये तो भाई डाइमर की फॉर्म में मिलेगा, जब आप एक्सपेरिमेंटली इसका मोलर मास निकालोगे तो एक्सपेरिमेंटली पूरा डाइमर ही डिटेक्ट होगा ना, तो मोलर मास इसी का निकल के आएगा, और इसी का निकल के आएगा तो डबल हो गया ना, क्योंकि तो दो मोलिक्यूल के बराबर है, इसलिए ऑब्जर्व मोलर मास डबल आता है। किससे? थ्योरेटिकल से। तो इसका देखो जो मोलर मास है इसका एसिटिक एसिड का मोलर मास, एसिटिक एसिड ये हो गया ना डाइमर का मतलब, ये टू सी एच थ्री सी डबल ओ एच, ये दो मिलकर बना रहे डाइमर का, ऐसे लिख दो मैं सी एच थ्री सी डबल ओ एच, इसका होल्टा ये डाइमर है। तो इसका जो मोलर मास है, मोलर मास आप जोड़ के निकाल सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन सभी का जोड़कर कितना आएगा 60, लेकिन जो ऑब्जर्व मोलर मास इसका डबल 120 आएगा, ठीक है? तो देखो ऑब्जर्व मोलर मास,
ऑफ द मोलर मास कितना आएगा 120। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ऑब्जर मास ये किसकी वजह से हुआ, सब कुछ एच बॉन्डिंग की वजह से, समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट केस नंबर थ्री, नंबर थ्री, ठीक है ना। देखो नंबर थ्री यहां पर लेते हैं हम। देखो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो आपको पता होगा कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यदि आप टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तब भी वाटर की डेंसिटी घटती है, और टेम्परेचर कम करोगे तब भी घटती है। मतलब मैक्सिमम किस पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब ऐसा क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। देखो समझना आप इसको, जैसे अपन बात करें, देखो मान के चल 4 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होता है। देखो 84 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर इस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ओ एच एच ओ एच और एच। देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर एक्चुअली ऐसा होता है, ध्यान देना, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पर देखो ये इधर घूम गया, ये इधर घूम गया, एक मिनट, इधर कंप्लीट बॉन्ड है, एच बॉन्ड नहीं, ये देखो ये इस तरह का केस हो गया ना ये। तो देखो इस कंडीशन में जब अरेंजमेंट होगा तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस मिनिमम होगी, होगी ना, होगी डिस्टेंस मिनिमम होगी तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए ना, बिल्कुल पास पास आएंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी नहीं होगी, होगी ना। तो यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच मिनिमम डिस्टेंस है जिससे डेंस हो जाता है, डेंसिटी यहां पर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। देखो डेंसिटी का मतलब सबको पता है, इसे डेंसिटी इक्वल क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल है ये इंट्रा ही इंटर है, इंट्रा होगी ना। तो देखो इंट्रा होगी तो क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूल, सॉरी इंटर है ना, तो बिटवीन मॉलिक्यूल है, विदिन थोड़ी है, ये तो बिटवीन मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो कौन सी हुई, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती नहीं होती, होते पड़ी है ना अभी। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एच बॉन्डिंग खत्म होने लगेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेंगे थर्मल एनर्जी की वजह से। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन मास तो उतना ही आपने ले रखा है, उतना ही तो है, तो डेंसिटी घटेगी नहीं घटेगी। तो डेंसिटी क्यों घटेगी, क्योंकि ऐसा करने से जो मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है। अब ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर कम करने पर भी डेंसिटी घटती है, भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर तो समझ में आ गया ना, ठीक है ना, टेम्परेचर कम करने पर भी डेंसिटी घटती है। देखो टेम्परेचर कम करे तब भी डेंसिटी डिक्रीज होती है, करने को मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे, अब आप चाहो तो टेम्परेचर इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, दोनों ही कंडीशन में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर करने लगते हो तो वाटर आइस की तरफ मूव करने लग जाएगा, क्योंकि जीरो पर उसका वो फ्यूजन स्टार्ट ये हो जाएगा, एक तरह से वो आइस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब जब आप किस टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करोगे तो ये अपने आप को आइस में कन्वर्ट होने के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देगा, समझ में आ रहा है। अब आइस की स्ट्रक्चर आपको पता होगी, इसे आइस की केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, समझ में आ रहा है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर्स होने की वजह से बीच में स्पेस आ जाता है जिससे डेंसिटी घटती है। आइस वाटर पर तैरती है नहीं तैरती,
क्यों तैरती है? क्योंकि वहां पर डेंसिटी, सॉरी वाटर की कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी कम होती है ना। जिस कोई भी कंपाउंड रहा, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है तो उसके सरफेस पर तैरेगा, और डेंसिटी ज्यादा है तो नहीं तैरेगा, उसके अंदर डूब जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आइस वाटर पर क्यों तैरते? क्योंकि डेंसिटी उसकी कम होती है। ये कर लिया ना, इधर बना देता वहां स्ट्रक्चर आएगी ना, ये कर लिया, हो गया ना। देखो देखो ध्यान देना, आइस की स्ट्रक्चर में इस तरह से होता है। देखो यहां पर बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर, आप इसी के नीचे बना लेना, ठीक है ना। मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो यहां पर आइस कर देता हूं मैं ना, आइस यहां पर बना रहा हूं स्ट्रक्चर, देखो ये आइस की स्ट्रक्चर। मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, केवल समझने के पर्पज से बना रहा हूं, जो मेन मेन चीजें समझने के लिए आवश्यक होगी। देखिए इधर देख लो, इधर देख लो, देखो आइस की स्ट्रक्चर ही होती है। अभी इधर देखो आप, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल ना, इधर देख लो, लिख लेना, वह एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन एटम की तरह सराउंडेड होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। देखो आप अगर इनको मैं मिला दो ना, तो एक टेट्राहेड्रल बनेगा। देखो यहां पर देखो बन रहा है, नहीं बन रहा। तो प्रत्येक ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन एटम की तरह सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रल मैनर में, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड की तरह जुड़े होते हैं और 2 हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग की तरह जुड़े होते हैं। ये जो है ना, ये क्या है? एच बॉन्डिंग, ये एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। और ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान देना, आप समझना, ये जो नेक्स्ट देखो यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये हाइड्रोजन नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ेगा, कि कोवेलेंट बॉन्ड ये आ गया ना। एक तरफ कोवेलेंट, भाई एच बॉन्डिंग अपन ने बनाई थी, नहीं बनाई इस तरह से, तो बनाई थी इस तरह से, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। देखो एक तरफ जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, एक तरफ एच बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, एक तरफ एच बॉन्ड के द्वारा। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड आ गया इसलिए यहां पर एच बॉन्ड बनाया, यहां पर देखो कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो यहां पर एच बॉन्ड बना दिया, यहां पर एच बॉन्ड है इसका मतलब दूसरी तरफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यहां पर एच बॉन्ड है इसलिए यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो इस वाटर मॉलिक्यूल में एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये दूसरी कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो दो एच बॉन्डिंग बनाएगा। इसी तरह से यहां पर भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा। यहां पर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और ऐसा करते करते ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर से बन जाएगी। ऐसा होने से देखो दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कितनी बढ़ गई, जबकि यहां पर देखो यहां पर दोनों मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंजमेंट होने के कारण दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस काफी कम है ना, जबकि यहां पर इस अरेंजमेंट की वजह से एक चेन बन गई बीच में, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। और इस डिस्टेंस की वजह से बीच में क्या कैविटीज बन जाती, केज, इस तरह से यहां पर ये केज बनेगी, मतलब वाटर की स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होती है।
ठीक है ना, तो बीच में खाली जगह काफी ज्यादा आ गई ना, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो डेंसिटी घटेगी नहीं घटेगी, घटेगी ना। तो देखो अच्छा, अगर मैं कहूं कि प्रत्येक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम के द्वारा भी सराउंडेड होता है, तो देखो ये पहला एटम तो हाइड्रोजन है, सेकंड एटम ऑक्सीजन होगा। तो देखो यहां पर भी टेट्राहेड्रल बनता है, देखो इधर ये टेट्राहेड्रल, समझ में आ गया, ये देखो ये टेट्राहेड्रल। तो आइस की स्ट्रक्चर एक तो केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, आइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर होते मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। तो देखो डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू, डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। देखो आइस की स्ट्रक्चर में प्रत्येक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन के द्वारा सराउंडेड है, 4 हाइड्रोजन के द्वारा, 2 हाइड्रोजन एटम एच बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होंगे और 2 हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। देखो एच ऑक्सीजन एटम सराउंडेड बाई 4 ऑक्सीजन एटम्स, सॉरी 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स, देखो यहां पर लिख देता हूं 2 बाई एच बॉन्ड एंड 2 बाई कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्लियर हो गया होगा। देखो प्रत्येक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम के द्वारा भी सराउंडेड है, वेट अच्छा स्ट्रक्चर कौन से बन रहे है, टेट्राहेड्रल बन रही है ना। तो देखो ईच ऑक्सीजन एटम सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम, है ना, यहां पर आगे लिख लेना इन टेट्राहेड्रल मैनर, देखो इन टेट्राहेड्रल मैनर, टेट्राहेड्रल मैनर, देख इसी तरह से प्रत्येक ऑक्सीजन एटम 4 अदर ऑक्सीजन एटम के द्वारा सराउंडेड है टेट्राहेड्रल मैनर में। तो देखो ईच ऑक्सीजन एटम सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम्स इन टेट्राहेड्रल मैनर, टेट्राहेड्रल मैनर, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या तक? तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि जो वाटर होता है H2O उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों होती है, चाहे 4 डिग्री सेल्सियस से चाहे टेम्परेचर आप कम करो चाहे इंक्रीज करो, दोनों ही कंडीशन में डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको, करो देखो इसको नोट, चलो कल करते हैं प्रयास, आ गया ना।